स्टूडेंट्स वेलकम टू ऑनलाइन क्लास. दिस इज योर मैथमेटिक क्लास. एज यू नो वी आर डूइंग डिस्कशन ऑफ यूनिट 8. टुडे वी विल डिस्कस आवर न्यू कंसेप्ट बेस्ड ऑन लीप ईयर. ओके बेटा. हाँ जी बेटा, मैंने कल आपको कैलेंडर शो किया था, उसमें सभी मंथ्स दिखाए थे और बताया था कि कौन कौन से मंथ्स में कौन कौन से डेज होते हैं. तो जब मैंने फरवरी मंथ राइट किया था तो वहाँ पे मैंने 28 और 29 दोनों राइट कर दिया था. तो जब मैंने आपको जो कैलेंडर शो किया था वो 2020 वाला कैलेंडर था, जिसमें फरवरी मंथ में 29 डे शो किए हुए. बट जो बेटा आप देख अगर चेक करो 2019 के कैलेंडर में फरवरी मंथ में 29 डेज नहीं है बेटा, डेज है वहाँ पर 28 days. It means कि next year में क्या हुआ कि days हमारा एक increase हो गया. But बेटा ये 1 year छोड़कर increase नहीं होता. After four years, के बाद क्या होता है कि 1 day increase हो जाता है. हमेशा 4 years के बाद 1 day इंक्रीज होता है. और इंक्रीज कौन से मंथ में होता है? फरवरी मंथ. ठीक है. इट मींस कि फरवरी मंथ में वैसे तो क्या रहते हैं 28 डेज, पर जब 4 साल के बाद फरवरी मंथ के अंदर क्या आ जाता है, एक डे इंक्रीज हो जाता है. मींस 28 की जगह पर डेज कितने हो जाते हैं? 29. हाँ जी बेटा. तो लीप ईयर जो मैंने ऊपर भी राइट किया है कि लीप ईयर का कंसेप्ट हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो लीप ईयर किसको बोलेंगे? द ईयर व्हेन इन व्हिच फरवरी हैज 29 डेज. वैसे यूजुअली फरवरी के अंदर 28 डेज होते हैं, बट 4 years के बाद. मींस लीप ईयर कब होता है? जब फरवरी के अंदर 29 डेज हो. और वो 29 डेज कब आते हैं? आफ्टर 4 years. जैसे कि अगर 2020 के अंदर क्या है 29 डेज हैं, तो इट मींस कि ये 4 साल बाद आए हैं. तो 4 साल पहले रिवर्स चलो आप, 2020 में कितने डेज हैं? 29. ठीक है. उसके बाद इट मींस 2019 में भी 28 डेज होंगे, 2018 में भी क्या होंगे 28 डेज होंगे, 2017 में भी क्या होंगे 28 डेज होंगे. तो फिर 2016 के अंदर बेटा क्या होगा? 29 डेज. ठीक है. हाँ जी बेटा. अब देखिए कैसे हुए ये 4 years, कैसे हो गए 2016 से लेकर 17 तक कितने ईयर हो गए? 1 year. फिर 17 से 18 तक कितने ईयर हो गए? 2 year. 2018 से 19 तक कितने ईयर हो गए? 3 year. 2019 से 2020 तक कितने ईयर हो गए? 4 years. इट मींस कि आफ्टर 4 years क्या हो गया? फरवरी में 1 day इंक्रीज हो गया. मींस 16 में भी 29 डेज थे और उसके बाद 2020 में जाकर कितने डेज हो गए? फिर 29 डेज हो गए. तो जब आफ्टर 4 years हमारे पास 1 day इंक्रीज हो जाता है, तो वो ईयर हमारा कौन सा ईयर हो जाता है? लीप ईयर. ओके बेटा. लीप ईयर कब होगा? जब आफ्टर 4 years फरवरी के अंदर हमारा 1 day इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है बेटा. यस बेटा. इफ यू हैव फाइंड दैट 2014 अ लीप ईयर, इज 2014 अ लीप ईयर, देन व्हाट विल वी डू? We have to divide this 2014 with 4, because after 4 years our year change into
जब हम 4 साल के बाद फरवरी के अंदर क्या होता है, चेंज आ जाता है, उस मंथ में चेंज आता है, वैसे यूजुअली उसमें 28 डेज रहते हैं, पर 4 ईयर्स के बाद उसके अंदर चेंज आता है, वहां पर एक डे इंक्रीज हो जाता है। तो इट मींस कि अगर मुझे क्वेश्चन आ जाए कि मुझे किसी ईयर को फाइंड आउट करना हो कि वो लीप ईयर है या नहीं, तो मैं क्या करूंगी, उस ईयर को 4 से डिवाइड कर दूंगी। अब डिवाइड आपको आता ही है, आपने किया हुआ है 4 5 20, यहां से मैंने 1 लिया, बट 1 सफिशिएंट नहीं है तो मुझे 4 भी लेना पड़ेगा, इसके लिए मैं यहां 0 लगाऊंगी। अब 4 3 12, हियर इज 2 रिमाइंडर, ओके 2 आपका रिमाइंडर आ गया। तो बेटा अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं है तो इट मींस ये लीप ईयर भी नहीं, रिमाइंडर इज नॉट 0। अगर बेटा रिमाइंडर 0 नहीं है देन 2014 इज नॉट अ लीप ईयर, तो ये लीप ईयर भी नहीं होगा। इट मींस कि अगर आपका रिमाइंडर बेटा 0 आए यहां पर, किसी भी ईयर को 4 से डिवाइड करने में, पर्टिकुलरली आपने 4 से ही डिवाइड करना है, क्योंकि आपको पता है लीप ईयर का कंसेप्ट क्या है, कि आफ्टर 4 इयर्स ही फरवरी के मंथ में चेंज आता है, अदरवाइज वहां पर 28 डेज ही रहते हैं, बट 4 इयर्स के बाद वहां 1 डे इंक्रीज हो जाता है। तो इसीलिए मुझे 4 से ही डिवाइड करना है, और जब डिवाइड करूं मैं किसी भी ईयर को, और डिवाइड करने पर रिमाइंडर अगर 0 नहीं आ रहा तो वो लीप ईयर भी नहीं। इज दिस क्लियर? हाँ जी बेटा, इस तरह आप किसी भी ईयर को 4 से डिवाइड करके चेक कर सकते हो कि क्या वो आपका लीप ईयर है या नहीं। ठीक है बेटा, तो आप वर्कशीट 1 के क्वेश्चंस को इस वीडियो की हेल्प से प्रैक्टिस कर लें। थैंक्स, हैव अ नाइस डे बेटा।